नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्लम्बर एक्सपर्ट राव साहब में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टैंकी में जो निप्पल हैं वो किस तरह से लगाई जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टैंकी निप्पल सारी रख के और मिस्त्री जी जो है धागे से सब निप्पलों का एक लेवल कर रहे हैं। सब निप्पलों के ऊपर धागा जो है वो टच है, तो जिस समय टैंकी के कनेक्शन होंगे उस समय ये बिल्कुल लेवल में रहेंगे और सभी बराबर दिखेंगी, तो ये देखने में भद्दी नहीं लगेंगी। इसीलिए मिस्त्री धागे से इसका लेवल कर रहे हैं। इस टैंकी की जो लंबाई है दोस्तों वो करीबन 8 फुट की है, इस कोने से उस कोने तक। और 8 फुट के बीच का हमने सेंटर बनाया 4 फुट का। 4 फुट पे हमने एक बीच वाली निप्पल रख दी और बीच वाली निप्पल से 9 इंची इधर और 9-9 इंची का सेंटर बना के हमने दो निप्पलें रखी, तो 1.5 फुट यहाँ पर गया और 9 इंची छोड़ के एक निप्पल उधर और 9 इंची फिर उस निप्पल के दूसरी साइड। यानी कि सेंटर से 9 इंची आप ये देख रहे हैं, पहली वाली 9 इंची, दूसरी वाली 9 इंची, फिर तीसरी वाली 9 इंची, चौथी वाली 9 इंची, फिर पाँचवीं भी 9 इंची। तो सेंटर से हमने 4 फुट में एक निप्पल रखी, उसके बाद ये 1.5 फुट इधर जगह होगी और 1.5 फुट उधर होगी, 3 फुट ये होगी, उसके बाद में 2.5 फुट जगह इधर बचती है दोस्तों और 2.5 फुट जगह टैंकी के उस तरफ। क्योंकि जब दोस्तों ये टैंकी बनकर तैयार हो जाएगी तो देखने में जो ये गैस पाइप जब लगेंगे ना टंकी के, तो वो बिल्कुल टंकी के एकदम सेंटर में दिखाई देंगे, तो देखने में वो बिल्कुल भी भद्दे नहीं लगेंगे। और इस तरह से दोस्तों अगर टैंकी के अंदर आप निप्पल दबाएंगे, या मिस्त्री जो भी हमारे देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारी जो ऑडियंस है वो इसको देख रही हैं, तो शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्लम्बर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाए। तो निप्पल आप देख सकते हैं हमारे मिस्त्री जी किस तरह से दबा रहे हैं। ये जो टंकी है दोस्तों, आपने देखा होगा कि टंकी के 4 इंची दीवार अंदर की तरफ है और 4 इंची दीवार जो है वो बाहर की तरफ है, और बीच में 2 इंची का जो स्पेस है वो मतलब स्पेस है खाली छोड़ रखा है, उसके बीच में 2 इंची का थर्माकोल आएगा। दोस्तों वीडियो भी देखते रहो आप और मेरी बातें भी सुनते रहो आप। थर्माकोल की टंकी किस तरह से बनाई जाती है, टंकी के बीच में थर्माकोल कैसे भरा जाता है और उसका क्या फ़ायदा है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। तब तक आप वीडियो को वॉच करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।